नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्सटेंड वाई ग्रुप के जो मेडिकल चल रहे हैं वो। मेरे पास ये आपका सेंटर है येलंका बेंगलोर। बेंगलोर के अंदर इनका मेडिकल हुआ है और इनका हम रिव्यू जानेंगे। एक और स्टूडेंट था वडोदरा से था, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। यदि आप में से किसी का भी मेडिकल हो गया हो अंबाला दिल्ली जहां पर भी हुआ हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और अपना जो रिव्यू है वो इस नंबर पर आप सेंड मुझे कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, ये मैं आपको लिख रहा हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा 7062107128। ठीक है, ये मेरे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है, आप इन पर अपना जो मेडिकल का रिव्यू है, कई लोगों का अंबाला के अंदर हुआ होगा, दिल्ली के अंदर हुआ होगा, जैसलमेर हुआ होगा, तो अपना रिव्यू जरूर सेंड करें प्लीज़। ठीक है, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इनकी इनका मेडिकल कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे पाए हैं। ठीक है, इन्होंने वही देखिए मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या करना है कि खान मेडिकल से 14 घंटा पहले आपको कुछ नहीं खाना, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बाकी ऐसा मिल्क वगैरह मत लेना ताकि आपकी शुगर की प्रॉब्लम हो सके। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल चीज़ें वो खा सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुबह के टाइम मत खाना, थोड़ा सा सुबह के टाइम ध्यान रखना, शाम को खा के सोना या जहाँ पर भी आप जाओ शाम के टाइम खा लेना थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो एक बार आपकी ब्लड रिपोर्ट है वो वहाँ पर चेक होगी और आपकी ECG वगैरह वो चेक हो जाएंगी और आपकी एक्सरे हो जाएंगी और बाकी सभी मेडिकल हैं वो आपके चलते रहेंगे। ठीक है, अब मैंने इनसे पूछा कि कितने लोगों को ग्रीन कार्ड मिला, तो 27 लोगों को ग्रीन कार्ड मिला है और इनके जो बैच में थे शायद ये बोल रहे थे कि पूरे 45% थे, तो हो सकता है 45% हो एक दो एबसेंट होंगे तो 27 काफ़ी अच्छा रेशो यहाँ का रहा है, इसका मतलब काफ़ी अच्छा मेडिकल है। और इनको रिमेडिकल मिला, मैंने बोला क्या पॉइंट है, तो इनको पाइल्स दांतों में पॉइंट मिला है। ज़्यादा पॉइंट किसके हैं, तो ज़्यादा पॉइंट ECG के, और क्या क्या पॉइंट बन रहे हैं तो देखिए सभी इन्होंने बताया। DNS का भी बन रहा है थोड़ा बहुत, BP का बन रहा है और ECG का ज़्यादा बन रहा है। नौकनी के बारे में पूछा तो नौकनी का कोई भी पॉइंट नहीं बना है। ठीक है, मेडिकल हार्ड हो रहा है नॉर्मल, ये मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि मेडिकल थोड़ा सा वहाँ पर हार्ड हो रहा है। ठीक है, वैसे मैं बता दूँ आपको हार्ड और नॉर्मल कुछ नहीं होता, जो चीज़ें होती है वो होती है, लेकिन एक सेंटर के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है कि वो लोग थोड़ा लाइटली लेते हैं या डार्कली लेते हैं उनको। कई लोग नेगलेक्ट कर देते हैं उन चीज़ों को, रिस्क ले लेते हैं, कई लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, वो रेमेडिकल का पॉइंट आपको दे देते हैं। थोड़ा सा ये आपके स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जैसे और वडोदरा की यदि हम बात करें तो वडोदरा में 42 कैंडिडेट वहाँ पर प्रेजेंट थे। कितने कैंडिडेट थे, 42 के आसपास कैंडिडेट थे वो आपके प्रेजेंट थे और वहाँ पर भी इसी तरह से 18 से लेकर 19 को ग्रीन कार्ड मिला था। कितने को, 18 से लेकर 19 को ग्रीन कार्ड मिला था और ECG में जो आपका CVS का पॉइंट है वो ज़्यादा मिल रहा है स्टूडेंट्स को। तो ECG के लिए मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ कल, उसमें बताऊँगा हाउ टू कंट्रोल योर ECG। बहुत आप उससे बेनिफिट आपको पा सकते हैं। यदि आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है ECG का तब तो देखिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप नॉर्मल सिचुएशन में तो आप उससे थोड़ी राहत पा सकते हैं। तो यार जिन लोगों का मेडिकल हो गया प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उन पर अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर ज़्यादा मैसेज ना करें, थोड़ी आपकी ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मोबाइल नंबर पर भी पूछ सकते हैं, फोन नहीं मिलेगा, व्हाट्सअप ओनली। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।